इस वक्त मौजूद हूँ अमृतसर में वाका जम्मू कश्मीर हाउस में। जम्मू कश्मीर हाउस रियासती सरकार ने अपने लोगों की सहूलियत के लिए बनाया था, लेकिन जो ही हम अंदर रूम्स में गए तो रूम्स की हालत देखकर यहाँ पर रहने का हमने प्लान बदल दिया। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, जो भी रियासत जम्मू कश्मीर से यहाँ पर रहने के लिए आते हैं यहाँ की हालत देखकर वो फिर दूसरे होटल्स में रहना ही उसको ही तरजीह देते हैं। आप अपना नाम बताइए। निशान मीर। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। यहाँ क्या करने आए थे? रहने आए थे एक दो दिन के लिए, मगर वही मैं अंदर घुसा होटल देखा, अंदर घुसा तो बहुत गंदा था, कमरे गंदे थे, बाथरूम गंदे थे। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मैं अब होटल करूँगा के लिए बुक, तो वहाँ रहूँगा। मतलब यहाँ अब रात भर आप रुकेंगे नहीं? नहीं नहीं। वजह क्या है उसके? वजह ये कि बहुत गंदे कमरे हैं, कागज पर नीचे गिरे हैं, बहुत डब्बे वब्बे वही अच्छा नहीं है, कमरे बाथरूम गंदे है, वो सफाई अच्छी तरह नहीं है, धूल है हर साइड से। तो आपके हिसाब से ये रहने लायक जगह है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी जगह है, साफ नहीं है। सरकार अगरचे लाखों रुपए यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे स्पेंड करता है, लेकिन रेवेन्यू कुछ भी जनरेट नहीं होता है। रियासती सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक मुस्तकिल स्वीपर को तैनात किया जाए जो कि इस गेस्ट हाउस को साफ़ सुथरा रखे और रहने लायक ये गेस्ट हाउस रहे। आप हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को कॉल करके इस मसले को फौरी तौर हल करने पर उन पर दबाव डाल सकते हैं। मैं शफात मीर, पंजाब के जम्मू कश्मीर हाउस से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।